अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन का इंतजार लोगों को बेसब्री से है। इस फिल्म में कई बड़े सितारे पर्दे पर एक साथ नजर आने वाले हैं। यही वजह है कि फिल्म को लेकर प्रशंसकों में काफी ज्यादा उत्सुकता है। इस बीच फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। साउथ की कई फिल्मों में नकारात्मक भूमिका निभा चुके टॉलीवुड अभिनेता अजय की भी इस फिल्म में एंट्री हो गई है। दक्षिण भारत के बाद वे अब हिंदी फिल्मों में भी अदाकारी का जलवा दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित शेट्टी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म के लिए उन्हें एक महत्वपूर्ण भूमिका में कास्ट किया गया है। सिंघम सीरीज बॉलीवुड की सबसे सफल फ्रेंचाइजी में से एक है। इसकी दोनों ही फिल्में दर्शकों को काफी पसंद आई थी। फिल्म में अजय देवगन फिर से अपने किरदार को दोहराते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं तेलुगु अभिनेता अजय भी पुलिस वाले की भूमिका में ही दिखेंगे। कई तेलुगु और तमिल फिल्मों में अपने प्रभावशाली अभिनय के लिए मशहूर अजय सिंघम अगेन से हिंदी भाषी दर्शकों के दिल में गहरी छाप छोड़ने के लिए काफी उत्सुक हैं। हालांकि उनके किरदार को लेकर अब तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। सिंघम अगेन की बात करें तो यह फिल्म इस साल 15 नवंबर को रिलीज होगी। पहले इसे स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज करने की तैयारी थी, लेकिन बाद में तारीख को आगे बढ़ा दिया गया। यह फिल्म में अपने पिछले दोनों भाग की तरह हाईटेक एक्शन और मनोरंजक कहानी का वादा करती है। फिल्म में अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर खान, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह जैसे सितारे नजर आने वाले हैं। वहीं अर्जुन कपूर इस फिल्म में नकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं।